अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का यूनिट टॉपिक नंबर स्टार्ट करेंगे 7.9, विच इज हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ हमारे पास एक साइंटिस्ट के नेम पे लॉ है, ठीक है, जिनका नाम था हुक्स। ठीक है, इसको हुक्स पढ़ा जाता है। तो उन्होंने जो लॉ हमें दिया, हम उसको कहते हैं कि ये है हमारे पास हुक्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम पे ही है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स जिस भी एरिया पे लग रही होगी उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो हम जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, बॉडी की लेंथ चेंज हो जाती है, या बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जिस तरह सिंपल अगर हम एक स्प्रिंग की बात कर लें, इस तरह से जो स्प्रिंग बने होते हैं उनके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं इस यूनिट एरिया पे, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज स्ट्रेस स्ट्रेस। ठीक है, यस, तो क्या होता है हमारे पास जब हम फोर्स लगाते हैं इस यूनिट एरिया पे, तो बेसिकली हम क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इस स्ट्रेस की वजह से हम इसको खींच के लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग लंबा भी हो सकता है जब हम इसको खींचेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, स्ट्रेस अप्लाई करके हम इसको बिल्कुल कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हम इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली वो फोर्स है जो कि किसी भी यूनिट एरिया पे लग रही होती है, तो हम उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक डस्ट या फोम देख लें, ठीक है, घरों में आपने अक्सर देखा होगा फोम के हमने कुशंस वगैरह बनाए होते हैं, आप क्या करें कि इस तरह से बने होते हैं फोम्स, ठीक है, क्योंकि वो क्यूबिक शेप के भी होते हैं समटाइम, उसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, यूँ बिल्कुल श्रिंक से हो जाते हैं। ठीक है, उनके श्रिंक होने की वजह से उनकी हर एक साइड की लेंथ पे फ़र्क पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी इसकी लेंथ पे भी फ़र्क पड़ेगा, इसकी विड्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा, इसकी हाइट पे भी फ़र्क पड़ेगा अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। इट मीन्स स्ट्रेस अप्लाई करने से हम वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी की लेंथ भी चेंज हो सकती है, बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है, बॉडी का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। अब किस हद तक वो चेंज हो सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली क्या है, जितना हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतनी चेंजिंग प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जितना स्ट्रेस अप्लाई किया उतनी ज़्यादा चेंजिंग प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, चेंजिंग आ गई बॉडी के अंदर, बॉडी की लेंथ में चेंज आ गया, या बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ गया, या बॉडी की शेप में चेंज आ गया। तो बेसिकली चेंजिंग जो आती है उसको हमने एक नाम दिया हुआ है स्ट्रेन का। ठीक है, एंड इट इज स्ट्रेन। सो स्ट्रेस क्या है, फोर्स जो हमने लगाई किसी भी यूनिट एरिया पे, उसको स्ट्रेस का नाम दिया गया है, और जितनी चेंजिंग प्रोड्यूस होगी उसको स्ट्रेन का नाम दिया गया है। अब हमारे पास यही है हुक्स लॉ। ठीक है, और हुक्स लॉ की एक सिंपल सी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बॉडी के अंदर उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी जिस हद तक हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे बॉडी के अंदर चेंजिंग उतनी ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगी। जिस तरह हम यहाँ पे देख लें, अगर हमने इसको थोड़ी फोर्स लगा के आगे की तरफ खींचे, ठीक है, तो ये यहाँ तक इतना जो है ये जो है एक्सपैंड कर गया। ठीक है, हमने इतनी फोर्स लगाई तो एक्सपैंड कर गया। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे स्ट्रेस कम अप्लाई किया कि चेंजिंग सिर्फ इतनी सी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब यही और ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई कर दें, यानी इसको और खींच दें, इसका क्या मतलब है कि हमने इसमें और ज़्यादा चेंजिंग प्रोड्यूस कर दी। यानी जितना हम स्ट्रेस ज़्यादा करते जाएंगे, जितनी फोर्स हम ज़्यादा लगाते जाएंगे, चेंजिंग उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी। ये डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो उतनी ही जो है वो चेंजिंग प्रोड्यूस होती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये है हमारी सिंपल एक स्टेटमेंट हुक्स लॉ की। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हुक्स लॉ की स्टेटमेंट या हुक्स लॉ है क्या बेसिकली। तो हम यहाँ पे हुक्स लॉ लिख लेते हैं कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी
by applying strain is directly proportional to the stress applied within the elastic limit. So पहली बात हमने समझ ली कि हम यही कह रहे हैं कि स्ट्रेस जितना अप्लाई होगा उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. अब हम इस लॉ के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस लॉ में क्या कहा गया. देखें, उन्होंने कहा स्ट्रेन प्रोड्यूस इन आ बॉडी, ठीक है, जो स्ट्रेन यानी चेंजिंग प्रोड्यूस होगी बॉडी में बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस. ठीक है, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तभी बॉडी में चेंजेस होती हैं. अदरवाइज अगर ये डस्टर है ये तब तक इसी शेप में रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी. ठीक है, अगर लेट सपोज मैं हैमर पकड़ती हूँ, हथौड़ा पकड़ती हूँ एंड इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, तो इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्ट्रेस का. ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी टूट सकती है, इट मीन्स उसमें चेंज आ सकता है. तो हमारा हुक्स लॉ सब स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉलिड्स हो, चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो गैसेस हो, हर बॉडी के अंदर चेंज प्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो उसकी लेंथ में हो, चाहे वॉल्यूम में हो या उसकी शेप वगैरह में हो. ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं कि कितने जो बॉडी के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं स्ट्रेस अप्लाई करने से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं स्ट्रेस के. ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के जो कि हमने अप्लाई की है विद इन द इलास्टिक लिमिट. अब इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं, देखें हर चीज़ की एक हद होती है. ठीक है, एक बाउंड्री लिमिट होती है जहाँ से आगे आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो जो बाउंड्री लिमिट होती है ना वो हमारे केस में है इलास्टिक लिमिट. उस हद से अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकती. और हमारा हुक्स लॉ जो है वो यही कहता है कि जब हम छोड़ दें उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाना तो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए. ठीक है, तो यानी कि हमें उस हद तक ही रहना है, उस हद के अंदर जाके किसी भी लिमिट के अंदर रहते हुए जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो जो चेंजिंग प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे. तो इसमें से जो आप बेसिक इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखेंगे बात कि वो स्ट्रेन जो प्रोड्यूस करवाया है बॉडी में, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस. क्या ये यही हमारे पास बनेगा कि स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी में या चेंजिंग जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के. सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये लॉ किस तरह हमें डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के या स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के. ठीक है, अब विद इन द इलास्टिक लिमिट वो बाउंड्री लिमिट जहाँ से आगे आप नहीं जा सकते. ठीक है, जिस तरह हम कह देते हैं कि हमारे बॉर्डर्स हैं उनको हम क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, वो आखिरी हदूद है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते. अगर क्रॉस करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा. ठीक है, इलीगल काम हम करेंगे. तो हमने भी एक बाउंड्री लिमिट के अंदर रहते हुए क्या करना है, किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग प्रोड्यूस करवाई जा सके. ये होता है हमारा हुक्स लॉ. अब हुक्स लॉ जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेबल ऑन तीनों स्टेट पे ये एप्लीकेबल होता है. ठीक है, मैटर की तीनों स्टेट कौन सी हैं, सॉलिड पे भी, लिक्विड पे भी एंड गैसेस पे भी. ठीक है, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट. ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट. सो हमें इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाना है तो हम सॉलिड में भी करवा सकते हैं, हम लिक्विड में भी करवा सकते हैं एंड हम गैसेस में भी करवा सकते हैं. इसका मतलब है हुक्स लॉ जो है वो तीनों मैटर की स्टेट्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, मैटर स्टेट्स पे अप्लाई हो सकता है.
सो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हुक्स लॉ किन स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, तो हर तीनों स्टेट्स पे एप्लीकेबल है. सॉलिड के अंदर भी हम चेंजिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम लिक्विड के अंदर भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एंड हम गैसेस के अंदर भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं. लेकिन होना क्या चाहिए, हर चीज़ एक हद तक होनी चाहिए ताकि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करना छोड़ दें तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए. अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आई जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ दिए, इसका मतलब है कि वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके, ठीक है. और अगर अब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है. तो हुक्स लॉ अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन ही हमारे पास क्या है कि इलास्टिक लिमिट, एक हद तक हमारे पास चेंजिंग प्रोड्यूस होनी चाहिए. और वो चेंजिंग्स क्या है, हमारे पास किसी भी हालत में हो सकती हैं, वो लेंथ में भी हो सकती हैं, वो वॉल्यूम में भी हो सकती हैं, या वो शेप में भी हो सकती हैं. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, एंड हुक्स लॉ किन किन पे अप्लाई किया जा सकता है. अब हम इसको इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं. यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं. सो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है. तो पहले हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस, ठीक है. बॉडी के अंदर जितना स्ट्रेस यानी जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. तो ये हमने लिख लिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है. अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना हो तो हमें यहाँ पे इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है. कांस्टेंट स्ट्रेस एन इंटू स्ट्रेन. अब हम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है. दैट इज बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था. अब ये क्या करेगा, जब नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कांस्टेंट. अब बेसिकली ये कांस्टेंट हमें क्या बताते हैं, यही बताते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है. हर बॉडी के लिए एक डिफरेंट वैल्यू होती है कि इस हद तक आप उसके ऊपर चेंजिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है. जिस तरह आप देख लें कि आप रबर बैंड होता है, ठीक है, जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, ठीक है. आप उस रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ी सी उसके ऊपर फोर्स लगाएं, स्ट्रेस अप्लाई करें, तो वो थोड़ी लंबी हो जाएगी उसकी शेप. एंड अगर आप उससे भी ज़्यादा कर देंगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है. तो वो बेसिकली क्या था कि उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है. वो कांस्टेंट अब यंग मॉड्यूलस है बेसिकली, जो हम इसके सब टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है. अब अगर उसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब है आप स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि किस हद तक आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं. इसी तरह से अगर एक रबर बैंड के ऊपर हम कम फोर्स लगा सकते हैं और अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर एक डस्टर की बात की जाए कि जो एक सॉलिड है, अगर आप इसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. आपको इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हैमर से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है. तो वो भी आपको ये कांस्टेंट बताएगा कि आपको कितनी फोर्स लगानी है ताकि आप उस बॉडी के अंदर चेंजिंग प्रोड्यूस करवा सको और वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, ठीक है. डस्टर अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा, बट हमने एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखा है कि हम किस तरह से बॉडीज़ के कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हुक्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए जब स्ट्रेस अप्लाई करना हम बंद कर दें. अगर हम सॉलिड को तोड़ रहे हैं हैमर से तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है. तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी, इसको इसमें कोट करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट से हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेस कितना होना चाहिए कि हम उतना ही स्ट्रेस लगाएं और बॉडी में चेंजिंग प्रोड्यूस करवा सके. तो बेसिकली ये कांस्टेंट क्या है, ये हमारे पास एक बाउंड्री लिमिट है या एक इलास्टिक लिमिट है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बॉडी पे या किसी भी जो स्टेट है मैटर की स्टेट, उसके ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई करने के लिए. तो ये था हमारा हुक्स लॉ, जिसमें हमने पहली बात उसकी स्टेटमेंट पढ़ी हुक्स लॉ की, ठीक है. स्टेटमेंट है ये हमारे पास. सेकेंडली ये हमारे पास है उसका फॉर्मूला, एंड थर्ड हमारे पास कि ये किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है. तो ये आप थ्री हेडिंग्स भी बना सकते हैं. एंड सबसे पहली चीज़ हमने देख ली कि जितना स्ट्रेन हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी जितना स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा.
जितनी फोर्स लगाएंगे उस यूनिट एरिया पे उतनी ही चेंजिंग प्रोड्यूस होंगी। पहली बात तो हमारे पास स्टेटमेंट में यही कहेगी, ठीक है। और सारा काम किसके अंदर होना चाहिए, एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, एक हद के अंदर रह के करना है। फिर हमने देख लिया कि इस जो स्टेटमेंट है इससे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन रही है, तो वो हमारे पास बन रही थी कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। देन हमने एक कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया जो कि क्या बता रहा है, एक इलास्टिक लिमिट बता रहा है, एक वैल्यू बता रहा है जिस हद तक हम बॉडी के अंदर चेंजिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस, ठीक है। एंड ये हुक्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, मैटर की तीनों स्टेट पे एप्लीकेबल है, गैसेस पे भी, सॉलिड पे भी एंड लिक्विड पे भी, लेकिन एक हद के अंदर यानी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़रूरी है जो कि हम इस कॉन्स्टेंट की मदद से फाइंड आउट करेंगे। सो ये था हमारा हुक्स लॉ।